स्वागत है दोस्तों DLS न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार की तरफ से बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों कि आखिर किन किन राज्यों में किन शहरों में 30 नवंबर तक फिर से लॉकडाउन जारी रहेगा। होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय का आदेश जारी हो चुका है। जानेंगे लॉकडाउन को लेकर इस बड़ी खबर को भी। कोरोना वायरस को लेकर कुछ और अपडेट और आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं। सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। एक एक करके आज के 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देख पाएंगे दोस्तों की एक तो जम्मू कश्मीर में अब कोई भी जमीन वगैरह खरीद पाएगा। दुकान के लिए या किसी के लिए जमीन चाहिए जम्मू में तो किसी भी राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद पाएगा। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लागू कर दिया। कल ही इसके संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी। हालांकि कृषि के लिए जमीन नहीं ली जा सकेगी लेकिन अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज व्यवसाय वगैरह करने के लिए जमीन लेना चाहते हैं तो आप जम्मू कश्मीर में भी अब जमीन खरीद पाओगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य के बाहरी उद्योग भी स्थापित हो और ऐसे औद्योगिक भूमि में निवेश की आवश्यकता है लेकिन कहते कि जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेगी। ये देख सकते हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट जारी कर दिया गया इसको लेकर। यानी कि जम्मू में फैक्ट्री घर दुकान या इसके लिए जमीन खरीदी बेची जा सकेगी। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है अनलॉक के तहत। देखिए सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। आपके कुछ काम की बातें जान लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा दोस्तों कि सिनेमा घरों थिएटर वगैरह में जो 50% क्षमता के साथ बैठने की जो परमिशन थी वो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। ठीक है ना। पहली बात तो ये। इसके अलावा नए दिशा निर्देश में कहा गया कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल कोचिंग संस्थान वगैरह खोलने पर फैसला करने की अनुमति दे दी गई है। कुछ और गाइडलाइंस भी हैं अनलॉक के तहत 30 नवंबर तक के बीच में। मैं आपको आगे कोरोना अपडेट्स के तहत बताऊंगा। फिलहाल एक बड़ी खबर देखिए जरा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब देर रात तक खुलेंगी शराब और बियर की फुटकर दुकानें। रात 10 बजे तक इसका समय बढ़ चुका है। जी हाँ, यूपी में दोस्तों शराब की दुकानों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब रात 10 बजे तक शराब की बिक्री वगैरह हो पाएगी। यानी कि यूपी में अब रात 10 बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिल चुकी है। यह अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों के लिए ही है। अच्छा, यूपी की योगी सरकार की जब बात हो रही है ना तो उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ और खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको बता होगा उत्तर प्रदेश में हाल ही में योगी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया था और इसका 10 दिनों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 22 जिले निकले फिसड्डी। लड़कियों की खास करके महिलाओं वगैरह की रक्षा के लिए योगी सरकार ने जो मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन का एक अभियान जो जारी किया था ना उसके तहत दोस्तों देखिए योगी सरकार की क्विक कार्यवाही देखिए। 11 मामलों में 18 को तो फांसी की सजा दी गई है और 22 जिलों में कागजी अभियान बन चुका है मिशन शक्ति और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है यूपी में महिलाओं के सम्मान के लिए रक्षा के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ तक कि एक्शन देखिए योगी सरकार का। योगी सरकार की शक्ति जारी है। अब मर्डर के इस आरोपी के घर पर बुलडोजर वगैरह तक भी चला दिए गए। जो आरोपी ऐसा कर रहे हैं ना उनके ऊपर कार्यवाही योगी सरकार की हद तक कर रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, यूपी को लेकर योगी सरकार का और एक फैसला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में गोकसी करने वालों को हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, यूपी के उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका और ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गोकसी करता है ना तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। गौ माता की रक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों में गुंडे लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेते थे और सरकार के नेता उन्हें सम्मानित करते थे जबकि अब गुंडों की संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा। ये कहना रहा योगी सरकार का। और वाकई में मतलब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है ना खास करके क्राइम करने वाले गुंडों के लिए तो मतलब एक बहुत अच्छा एक्शन लेते हैं। वाकई में किसी राक्षसी गुंडों से लड़ने के लिए शक्तिशाली और सत्यवान बनकर योगी सरकार जो लड़ रही है ना वाकई में मतलब प्रशंसनीय है हकीकत में। चलिए अगली खबर देखिए जरा। भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी कि देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है वंशवाद का करप्शन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस साल के सम्मेलन का विषय था दोस्तों की सतर्क भारत और समृद्ध भारत। और इस दौरान दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपके सामने और एक बड़ी चुनौती का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये चुनौती बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है और ये चुनौतियाँ भ्रष्टाचार का वंशवाद यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस वजह से कई राज्यों में तो ये राजनीतिक परंपरा का हिस्सा भी बन गया और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का यह वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है। तो मतलब बहुत जगहों पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। देश में इन चीजों को सुधारने की जरूरत है और सही बात भी है। अगली खबर देखिए जरा। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 29 अक्टूबर को ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च करेंगे और अब ऐसे होगा शिकायतों का निवारण। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से भी एक सख्त और बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता AQI धीरे धीरे बेहद खराब होती जा रही है। इससे दिल्ली में लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना भी दुपर हो गया और प्रदूषण का आलम यह दोस्तों कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 29 अक्टूबर को ग्रीन दिल्ली ऐप का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन दिल्ली ऐप के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायत निवारण प्रक्रिया को लेकर समीक्षा की बैठक की और ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल करके लोग बाग कचरा जलाने औद्योगिक प्रदूषण धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा पाएंगे। ऐसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की यह नई पहल है, अच्छी बात है ना। दिल्ली को लेकर और एक खबर है दोस्तों कि दिल्ली में कूड़े से बनेगी बिजली और खाद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है, ये देखिए जरा इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गाजीपुर के पोल्ट्री मार्केट और सब्जी मंडी से निकलने वाले कूड़े से बिजली और खाद बनाने के प्लांट का उद्घाटन किया। गाजीपुर मंडी से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे से वेस्ट टू पावर प्लांट की मदद से बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए आने वाले कुछ वर्षों में इस तरह के कई छोटे छोटे प्लांट स्थापित किए जाने की जरूरत है। मौजूदा बड़े WTP प्लांट और ऐसे सैकड़ों छोटे प्लांट को स्थापित करने के बाद रोजाना निकलने वाले कचरे को कूड़े के पहाड़ों पर नहीं डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कचरे को रिसाइकिल किया जाना चाहिए और खाद में बदलने, बिजली पैदा करने या ईंट भट्टों में उपयोग होना चाहिए। इससे दिल्ली समृद्ध हो सकती है, तो ये भी राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिवनी और नागपुर में धरती हिल चुकी है। आपको बता दूं देश के कई हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, अर्थक्वेक। हालांकि राहत की बात है कि भूकंप से किसी तरह के नुकसान के समाचार अभी तक नहीं मिले। कल ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूकंप के झटके दर्ज किए गए। हालांकि तीव्रता 3.3 थी लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, यही राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रवासी मजदूर अब पहले से ज्यादा पैसे भेज रहे हैं घर। EPFO रजिस्ट्रेशन में भी बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि कोरोना संकट के बीच अब देश की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 में प्रवासी मजदूरों के घर में यानी कि गांव में घर वगैरह जो होता है वहां पर पैसे भेजने में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये फरवरी 2020 के स्तर से ऊपर पहुंच चुकी है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया दोस्तों कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO में नए रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो ये भी राहत की बात है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक जनधन खाते की संख्या में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। इनकी संख्या अब 41 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तो एटलीस्ट इन सब चीजों से पता चलता है दोस्तों कि देश की इकोनॉमी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है, बूस्ट हो रही है ना। अच्छा अगली खबर देखिए जरा। अब डिजिटल मैपिंग से होगी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, धोखाधड़ी से बचाएगा ये सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको बता दूं राजधानी दिल्ली में जमीनों और संपत्तियों की खरीद बेचने में धोखाधड़ी रोकने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस LNO ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जिस पर प्रॉपर्टी के नक्शे से लेकर असली मालिक और लोकेशन आदि की जानकारियां उपलब्ध रहेगी। ई धरती जियो पोर्टल नामक इस पोर्टल पर 60,000 संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का काम तेजी से चल रहा। इससे दिल्ली में संपत्तियों के स्टेटस के बारे में आसानी से जानकारी हासिल हो सकेगी और संपत्तियों को खरीदने से पहले लोग पता कर सकेंगे कि कहीं मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा किसी संपत्ति पर, ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी वगैरह नहीं हो। तो ये वाकई में राहत की बात है। प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें सारी जानकारियां मिलेगी ही। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक जारी होने वाले प्रमाण पत्र में भूमि का प्रकार, संपत्ति का प्रकार, आवंटन की तिथि, संपत्ति की स्थिति वगैरह, संपत्ति का पता, भू राजस्व संबंधित नक्शे का विवरण वगैरह सारी जानकारियां अवेलेबल रहेगी। संपत्ति का प्रमाण पत्र ₹1,000 के शुल्क पर उपलब्ध होगा। इसे लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की वेबसाइट IDO.gov.in पर जाकर के भी हासिल किया जा सकता है। इससे एक आम आदमी को भी पता चल सकेगा दोस्तों कि कौन सी संपत्ति आखिर किसके नाम पर है, किसको लेने में क्या कोई दिक्कत है या नहीं वगैरह वगैरह। ओके चलिए बात करें अगली खबर में। तो अपडेट देखिए कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक आज होने जा रही है। भारत समेत 5 देशों के विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत मध्य एशिया वार्ता की जो सेकंड मीटिंग है, दूसरी बैठक है, वो बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से यह जानकारी दी गई है। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ किर्गिज गणराज्य के पहले उप विदेश मंत्री भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इन सभी देशों के मंत्री राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक, वाणिज्य और मानवीय सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, भारत के लिए क्या बातें चीते होती है, मैं आपको बता दूंगा दिन में DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए एक अगली खबर दोस्तों कि अब आईफोन यूजर्स जो है ना वो भी यूज कर पाएंगे शॉर्ट वीडियो मेकिंग देसी ऐप जो है ना भारत का मित्रों करके, हाल ही में टिकटॉक बैन के बाद हाईलाइट हुआ था। ये कुल मिलाकर के अब आईफोन वर्जन एप्पल के लिए भी लॉन्च हो चुका है। एंड्रॉइड के लिए तो पहले से ही था ये, अब iOS के लिए भी ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए जरा। आपके खाते में 5 नवंबर तक आ जाएगी ब्याज पर ब्याज से मिली छूट की रकम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लोगों को आदेश दिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI
आरबीआई ने सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों को और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को आदेश दिया दोस्तों कि ब्याज पर ब्याज माफी योजना को 5 नवंबर 2020 से लागू कर दिया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 महीने तक की मॉरेटोरियम सुविधा देने वाले लोगों पर लगाए गए ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया जाएगा और उनका पैसा वापस उनके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई का कहना है कि 5 नवंबर 2020 से पहले पहले एनी हाउ आपके खाते में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि 2 नवंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई भी होनी है लोन मॉरेटोरियम फैसले को लेकर, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार तो अपना यही बयान वापस रखने वाली है। देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जज के द्वारा सरकार के इस फैसले पर क्या निर्णय दिया जाता है। ये तो हमें 2 नवंबर को ही पता चलेगा जब और हियरिंग होगी, सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इससे पहले तक आरबीआई ने भी बैंकों को आदेश जारी कर दिया। अब देखते हैं आखिर क्या नया बदलाव देखने को मिलता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा 2 नवंबर को। फिलहाल एक खबर देखिए जरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से गुजरात के 2 दिनों की यात्रा पर निकलेंगे। जी हां, पीएम मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात पहुंचेंगे 2 दिनों के लिए। इस दौरान वो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच सी प्लेन सेवा सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पीएम मोदी की यह पहली यात्रा भी होगी। जंगल सफारी का भी इस दौरान पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और इस यात्रा के दौरान 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और मोदी पहली बार जंगल सफारी के नाम से प्रसिद्ध सरदार पटेल प्राणी उद्यान का भी उद्घाटन करेंगे। इस उद्यान को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही विकसित किया गया। यहाँ दुनिया भर से लाए गए जंगली जानवर और पक्षी भी हैं। 30 लाख LED लाइट से इस बगीचे को सजाया गया है। तो ये कुछ प्लानिंग है भारत के प्रधानमंत्री की। और चलिए अगली खबर हम बात करें दोस्तों आज के मौसम पूर्वानुमान की। संपूर्ण भारत का 28 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम है ये। केरल, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, दक्षिण कोंकण, गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश के दूसरे भागों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि बारिश वगैरह नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण में बहुत सुधार की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है और बाकी उत्तर पूर्वी मानसून कल तक तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फिर से दस्तक दे सकता। तो ये रहा आज का मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट स्काईमेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में आज के सोने चांदी के रेट की, तो सोने की कीमतों में 70 रुपए की गिरावट देखी गई और 50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चल रहा। वहीं चांदी में 432 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 62,338 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट पहुंच गया। तो ये रहा आज का सराफा अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों में और लॉकडाउन वगैरह को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। तो सबसे पहले एक खबर देखिए कि साल 2021 की शुरुआत में मौजूद हो सकती है कोरोना वैक्सीन, ये कहना कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो सुधाकर रेड्डी हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर रेड्डी, उन्होंने कहा कि 2021 की शुरुआत तक में वैक्सीन आने की संभावना, देखते हैं कब तक आती है। फिलहाल अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट ने फैसला लिया कि एक तो 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज और इसके अलावा इन विद्यार्थियों की लगेंगी नियमित कक्षाएं। जी हां, कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में करीब 7.5 महीने बाद 2 नवंबर से स्कूलों और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगाने की प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा और कॉलेजों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को अभिभावकों के सहमति पत्र पर नियमित कक्षाएं लगाने के लिए प्रवेश मिलेगा। शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों पर न अनिवार्यता होगी, न ही हाजिरी लगेगी। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी और पहली से लेकर 8वीं कक्षा के स्कूल अभी भी बंद ही रहेंगे। ओके, तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अच्छा, इसके अलावा खबर देखिए कि 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। जहां किन किन इलाकों में 30 नवंबर तक दोस्तों लॉकडाउन जारी रहेगा, होम मिनिस्ट्री का यह आदेश जारी हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के नए फैसले के मुताबिक 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन जो है ना, जहां पर कोरोना के अभी भी ज्यादा मामले आ रहे हैं, ऐसे कुछ इलाके हैं, शहरी इलाके भी हो सकते हैं, कोई नगर मोहल्ला भी हो सकता है, तो उन कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक अभी भी लॉकडाउन पर सख्ती से लागू रहेगा। इसके अलावा राज्य के अंदर और बाहर परिवहन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही सामान्य या व्यक्ति को ट्रेवल करने के लिए भी किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सरकार का एक बड़ा फैसला है। सिंपल है कि कंटेनमेंट जोन जो इलाके हैं उनमें 30 नवंबर तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए, कोरोना को लेकर एक राहत की बात है दोस्तों कि सिर्फ 13 दिनों में ठीक हुए करीब 10 लाख लोग। रिकवरी रेट जो है ना भारत का बहुत अच्छा चल रहा है, 90.62% तक पहुंच चुका है। 90% रिकवरी रेट वाकई में अमेजिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली डेटा जो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, वहीं भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 41,000 से ज्यादा संक्रमित केस पिछले 24 घंटों में देखे गए भारत में, और ये पिछले आंकड़ों की तुलना में कुछ ज्यादा हो सकते हैं। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 79,87,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 6,10,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 72,55,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते। और इस कोरोना
वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,20,023 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में कोरोना का एग्जैक्ट डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। दिवाली और छठ ये त्योहार जो है ना, इनमें घर जाने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे ने 46 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर लिया। जी हाँ, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है और ऐसे में दोस्तों कई सारे लोग बाग जो है ना दूसरे राज्यों में रहते हैं, काम धंधा करते हैं बेचारे, तो वो क्या करते हैं कि अब वापस अपने घर जाना चाहते हैं और ऐसे में उनको घर जाने में कोई परेशानी नहीं हो, यातायात के साधनों से लेकर और रेलवे में भीड़ भाड़ को लेकर उनको समस्या ना आए, दिक्कत ना आए, इसलिए इंडियन रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के मौके पर घर जाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है, खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे तो आपको ट्रेन में टिकट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे इस साल 46 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान की है। ये सभी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में चलाई जाएंगी। आपको बता दूं कि कोरोना काल में देश में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और ऐसे में त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 46 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, इनकी यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दी हुई है, तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आप इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। रेलवे को लेकर एक खबर ये दोस्तों कि रेलवे की इन परीक्षाओं के लिए जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। जी हाँ, RRB यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे में नौकरियों के लिए 15 दिसंबर से एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक रेलवे की ओर से इन परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है, राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत मिली है, अब ऋण न चुकाने पर जमीन जब्त नहीं होगी, 5 एकड़ जमीन जब्त नहीं होगी। दरअसल राजस्थान में दिवाली से पहले अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को राहत दी है, अब बैंक से लिए गए कर्ज को न चुकवाने की स्थिति में भी किसानों की 5 एकड़ जमीन जब्त नहीं की जा सकेगी, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। अगली खबर देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी की तरफ से एक ऑफर है, शानदार डील देखिए। आपको पता होगा हाल ही में एप्पल ने अपने आईफोन 12 लॉन्च किया था और ऐसे में इस बार एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन के ऊपर एक्सचेंज ऑफर भी रखे हैं। आप अपना पुराना आईफोन 11, 11 प्रो मैक्स, प्रो मैक्स वगैरह, ये जो है 11 प्रो नहीं है तो आप आईफोन 10, 10X, SR वगैरह, इन सारे मॉडल्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं आईफोन 5S से लेकर 11 प्रो मैक्स तक, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, आप सैमसंग और वन प्लस के स्मार्टफोन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, गैलेक्सी S10, S9, A51, A71 वगैरह वगैरह। तो अलग अलग मॉडल्स का एक्सचेंज पर आपको कितना वापस पैसा मिल सकता है, इसकी लिस्ट भी यहाँ इधर दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इस बार एप्पल कंपनी ने एक्सचेंज ऑफर भी रखा, ठीक है ना, इंडिया में आप ये कर सकते हैं। अच्छा अगली खबर देखिए, दीपावली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला और एक तोहफा, 10 दिन में 15,000 करोड़ के 4 बड़े ऐलान कर्मचारियों के लिए सरकार कर चुकी है। एक तो LTA, LTC वगैरह जो भी है, वो केस वाउचर स्कीम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को देने का फैसला लिया। इसके अलावा दिवाली बोनस को लेकर भी अपडेट है, केंद्र सरकार ने बीते हफ्ता सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस देने का ऐलान किया था। ये बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, इससे केंद्र सरकार के तकरीबन 30,00,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अच्छा इसके अलावा LTA के बदले LTC केस वाउचर स्कीम, ये भी जानकारी आप देख सकते हैं, और 10,000 एडवांस में भी आप ले पाएंगे। इस बार अगर त्योहारी सीजन वगैरह में आपको जरूरत है तो आप 10,000 रुपए तक अपनी तनख्वाह एडवांस में ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी, ये भी इस बार सरकार ने फैसला निकाला है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में होगा मल्टी लेवल बस पार्किंग डिपो का निर्माण, DTC और NBCC के बीच एक समझौता हुआ। जी हाँ, दिल्ली परिवहन निगम ने मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर स्थित DTC के प्रमुख भूमि पार्सलों के विकास के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया और ये समझौता ज्ञापन दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उपस्थिति में हस्ताक्षर वगैरह किए गए। तो दोस्तों ये दिल्ली सरकार की प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच अगला अपडेट देखिए, नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है, 5,000 रुपए तक हो सकती है EPS पेंशन, बुधवार को इस पर कोई फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की शुरुआत की गई और EPF स्कीम 1952 के तहत एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के EPF में किए जाने वाले 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33% EPS में जाता है और 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी EPS के पैसे से मंथली पेंशन का लाभ उठा सकता है। तो इसी में ये अपडेट है, ज्यादा जानकारी इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और बाकी 28 अक्टूबर को इस पर भी एक अहम बैठक होगी, देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा दिन में DLS न्यूज के ऊपर, ठीक है ना। फिलहाल अगली खबर देखिए, मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज का नाम बदल चुका है, अब NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि फेसबुक कंपनी ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च किया नया फीचर, अब क्लाउड गेमिंग के जरिए भी आप कई सारे गेम्स खेल पाओगे। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर दोस्तों, क्लाउड गेमिंग में अब फेसबुक भी शामिल हो चुका है। गूगल स्टेडिया और अमेजोन लूना इसमें अग्रणी प्लेटफॉर्म थे और अब फेसबुक ने भी कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए अपनी सोशल मीडिया साइट पर गेम को लेकर आ चुकी है। वर्गे के अनुसार इसका बीटा वर्जन यूनाइटेड स्टेट्स के कई यूजर्स के लिए मौजूद है और वे इसे फेसबुक के एंड्रॉइड ऐप और फेसबुक वेब के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जानकारी आप देख लीजिएगा। अच्छा अगली खबर है, सब्जियों और फलों पर MSP तय करने वाला पहला राज्य बन चुका केरल, 21 खाने पीने की चीजों पर MSP की रेट तय है। केरल
राज्य जो है ना उसमें ये सरकार की तरफ से किसानों के वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में 1439 पदों को भरने की मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए राहत की बात है, कैबिनेट के कई सारे बड़े फैसले हुए हैं और इस सरकारी भर्ती को भी मंजूरी मिल चुकी है। देखते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों की, कल ही जो SRH वर्सेस DC यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच था उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हराया। हार का डिफरेंस भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा, देख पाएंगे कि 88 रनों से हराया। साहा राशिद जीत के हीरो रहे हैं, तो ये खेल समाचार को लेकर अपडेट है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने सबसे पहला कौन सा नारा दिया था। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और आपको बता दूं दोस्तों ये गिफ्ट बिल्कुल फ्री होता है, एक रुपया भी आपसे इसके लिए नहीं लिया जाता। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।